वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? हम सभी बहुत अच्छे हैं गाइस। दो दिन से आप हम लोगों को देख रहे होंगे अप एंड डाउन करते हुए, तो वो यही था कि आज 20 है और 20 को हमारा इवेंट था एक, जिन लास्ट दो इवेंट्स में हम गए थे उन्हीं दो सॉन्ग्स का एंड होली इवेंट था। तो मैं घर पे भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई बिकॉज रेडी हो रहे थे। एक तो हमें सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है और ये आदत हमें है नहीं, तो उठना पड़ता है, तो हम लोग फिर एक ही चीज कर पाते हैं, तो खुद ही तैयार हो जाए या ब्लॉग ही शूट कर ले। तो अभी इसलिए हम निकल गए हैं और फिर ब्लॉग स्टार्ट किया है। जाना काफी दूर है हम लोगों को, तो जस्ट अभी हम लोग घर से निकले हैं। टाइम काफी लेट हो रहा है, मैं बताऊँ आपको 12:45 हो रहे हैं एंड स्टार्टिंग टाइम 12 था, बट हम लोग कभी टाइम से कहीं पहुंच ही नहीं पाते। ये तो गाइस हमारी निशानी है खानदानी, वो भी बाकी थीम सबका वाइट था, तो फिर हम लोगों का इस बार सूट कैरी करने का मन नहीं था, क्योंकि हम लास्ट जितने भी इवेंट्स में जाते हैं हम लोग मोस्टली सूट में ही जाते हैं। बट इस बार प्रेरणा और मैंने सोचा हम लोग बिल्कुल फॉर्मल कैजुअल लुक अपना रखने वाले हैं, सो हम ट्राउजर्स ढूंढ रहे थे, उसके लिए शर्ट वगैरह लेके आए थे एंड बिल्कुल प्रॉपर वैसा लुक रखा है। एंड प्रेरणा ने इतना सेटल मेकअप करा है आज, मतलब मैं पहले कर्ल्स करवाने चली गई थी तो मैं आई तो एकदम पटाखा तैयार हो रखी थी गाइज येरी, और फिर मैंने इसको ना इतना अच्छा मेकअप कैसे कर लिया। फिर ये और मैं कुछ डिस्कशन कर रहे थे गाइज, वो हम आपको बताएंगे। नहीं, अब मैं गाइज मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करूंगी गाइज, क्योंकि मैंने इसे बोला, मैंने कहा मतलब इसकी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, तो अगर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रहे तो उसमें भी एंड लोकेशन हमारी काफी दूर है, 1 आवर से भी ऊपर है, बट हम लोग निकल गए हैं अभी। एंड ऑल ओवर लुक जो है, मीन्स मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक सब न्यू पहना है गाइस, बिल्कुल शर्ट भी ट्राउजर भी और बेलीज भी, मैं सब कुछ न्यू लेके आई थी बिल्कुल आज के लिए। एंड रेडी हो गया, निकल गए मैं, प्रेरणा और जीजू और अंशु। अंशु को बोला था व्हाइट पहनने के लिए, उसने नहीं वेयर किया, बाकी हम सब व्हाइट ही होके आए हैं एंड इवेंट फुल व्हाइट थीम है। सो मिलते हैं आप लोगों से वहां पहुंच के, और आप लोग कैसे हो कमेंट करके जरूर बताना, बाकी फुल एंजॉय करने वाले हैं। सो बने रहना ब्लॉग में एंड तक, एंड जिन्होंने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, न्यू ऐड हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके बाय। सो गाइस देखो इवेंट में हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ नहीं, मैं नहीं ले रही। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं, चलो अंदर चल के मिलते हैं आप लोगों से। शुक्रिया। तुम मुझे इतने फोन क्यों करते हो तुम लोगों को? क्या सिस्टम है, काला करके मानोगे हम सबको? सुंदर लग रहे हो पर चलो आज तुम चीजू गाइस अपनी पगड़ी बनवा रहे हैं, बाकी इधर वॉइस के लिए है ये गाइस पुनीत चौधरी। एक बार जोरदार ताली एवरीवन, लेट्स गिव इट अ हैंड और थोड़ा ताली और एनर्जी के साथ में यार, इधर वाली लोग। थैंक यू। कौन बोलेगी? निशी हाय, हेलो 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 हेलो, हो गया खत्म, ठीक है, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। सुनो ऐसा करो फोन पर टुक्की मार लो क्योंकि तू बहुत ज्यादा हाथ पक गया है, अभी मिला है ना, बहुत लग रहा है मुझे, बड़ा हुआ आ गया इधर। सनस्क्रीन लगा के आई है फेस में, धूप में क्यों नहीं बैठ रही? धूप में यार गर्मी बहुत ज्यादा करवा रखी है आपने। उदित यादव गर्ल्स पम्मी जी आ जाइए, काम नहीं करता मैं, आगे आ जाओ। ये बहुत अच्छा कॉन्टिनेंटल, लास्ट टाइम बहुत अच्छा डांस करा था, प्लीज एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। हमारे बीच में एक और थिएटर है, मैं उनको भी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ उसके बाद में, ताकि वो हमारे बीच में आ जाए। देश की सेवा में सबसे आगे रहते हैं और डांस बहुत दिल खोल के करते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था स्टेज टोर डांस होता है इनका, और यस डेफिनेटली चाहे किसी के साथ भी इनका कोलैब करवा लो, ये सेम एनर्जी के साथ ही डांस करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे, हम बहुत रिस्पेक्ट से बोलते हैं, देश का नाम हमारा प्राउडली बहुत ज्यादा रोशन कर रहे हैं, जोरदार ताली से प्लीज वेलकम करेंगे रजत जी फौजी, एक बार जोरदार तालियां प्लीज, इनके लिए तालियां बनती हैं, बिकॉज देश की सेवा के साथ साथ में यहाँ भी हमारे बीच में कंटेंट क्रिएशन के साथ में, तो मैं एक चाहूंगी प्लीज सबका वेलकम करेंगे यहाँ हमारे बीच में। तो पहले सो मच यादव गर्ल्स, थैंक यू रजत जी आइए। थैंक यू सो मच,
रजत जी आइए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के. एवरीवन प्लीज जोरदार तालियां. हाँ नाउ लेडीज सेम सेम ये विक्की ये विक्की ये विक्की ये विक्की तो बट हमारे पास में ओजी वाला विक्की है यहाँ पे तो एक बार जोरदार तालियों से प्लीज. जैसे मैंने बोला था वो क्रिएटर स्पेशल इसलिए क्योंकि उनका कंटेंट हमारे कृष्ण मंडला खड़ी मटके पे आपको पहली बार कृष्ण वंदना देखने को मिलेगी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो लोग जो नॉक छोंक है वो होली से रिलेटेड है. भगवान श्री कृष्ण का मतलब होली है रास है ब्रज का जो रास है वो जो ब्रज क्योंकि हम सब लोग ब्रज के हैं तो ब्रज से हमारे बिहारी लाल की जय हमारी बीच में और बहुत प्यारी परफॉर्मेंस होने वाली है तो प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए स्टोरीज बनाने के लिए तैयार हो जाइए टैगिंग्स यू नो इट ऑलरेडी. प्लीज लेट्स वेलकम जोरदार तालियों से यहाँ वेलकम करेंगे ऑन स्टेज. अभी मैं एक बार टैगिंग रिपीट कर रही थी ब्लैक एंड व्हाइट म्यूजिक डायरेक्टर फरिश्ता और राजमोवार आशु ट्विंकल हमारे यहाँ पुनीत चौधरी सपना चौधरी इस सभी टीम को टैग करना है. अगर आप स्टोरीज बना रहे हैं रील्स में थोड़ी सी परफॉर्मेंस करनी है ना इसलिए फिर मैं इसमें नहीं करती. गाइस मैं आपको बताऊँ हमने क्या किया मींस पहले तो हम ये फॉर्मल डाल के आ गए थे जो मैं आपको दिखाती हूँ ये रहा एंड अपना अपना मन नहीं लग रहा. हेलो दीदी कैसे हो. हेलो सैडी जी को हाय कैसे हो. ठीक हो बड़े प्यारे लग रहे हो आप तो ऐसे बन ठन के ठीक है. सो गाइस मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या. हम ये फॉर्मल वेयर तो कराए बट अपना मन ऐसा हो रहा है कि ना कि हम सूट क्यों नहीं पहन के आए. सो मेरा हाय गाइस सो ना मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे ना सूट है जो मैंने अपने बर्थडे पे वेयर किया था नहीं मैं मीन्स देखो गाइस मुझे किसी और से मतलब नहीं है कि कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करे कैसे लग रहे कैसे नहीं बट हाँ मेरी खुद की चॉइस मुझे मेरे ऊपर ज्यादा अच्छी लगती है. सो मैं फॉर्मल डाल तो आई बट वो है थोड़ा सा मुझे अब लग रहा है कि हाँ मुझे सूट डालना चाहिए था जो मैंने नहीं डाला. मैं मतलब दो दिनों में मैं 7,000 से 8,000 रुपए शॉपिंग में खर्च कर चुकी हूँ. मैं ये फॉर्मल लाई मैं शर्ट लाई मैं और भी पता नहीं और भी मैं बहुत कुछ लाई थी मैंने आपको ब्लॉग्स में दिखाया नहीं. सो मेरा मूड एकदम स्पॉइल हो गया. सो दैट्स व्हाई मैंने मम्मी को बोला सूट फटाफट से ऑर्डर करवाओ और मैं उससे पहले कोई परफॉर्मेंस नहीं करने वाली कुछ नहीं करने वाली जब तक सूट नहीं आएगा. तो बहुत ब्यूटीफुल सा सूट है जो मैंने मेरे बर्थडे पे सेकंड वेयर किया था. सो वो आता है तो हम मिलते हैं बाकी चलो चलते हैं. देखें मतलब ये बहुत गलत हरकत है पर मैं आपको बताती हूँ इवेंट अंदर कंटिन्यू है एंड मेन कैरेक्टर है पुनीत. ये देखो खुशी हम सारे बाहर खड़े हुए हैं. ये हरकत वैसे अच्छी तो नहीं है यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ मतलब ठीक बन जाएगा. अब शूट है इसका मेरा लुधियाना है ना. हाँ तू बना रही हो. अभी तो खुशी ने बोला कि क्या हाल हो जाता है तुम्हारा तुम व्लॉग बनाने सच में टाइम खुशी को पता टाइम नहीं मिल पाता हमें शूट नहीं एंड गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं अभी हमारे सूटों का उसके बाद परफॉर्मेंस करेंगे एंड वी आर वेटिंग बट चलो कर रहे हैं अभी बातों में लगे पड़े गाइस सब. कर लिया अपनी आउटफिट चेंज मैंने वेयर किया अपने बर्थडे वाला सूट एंड आई एम हैप्पी विद दैट. बाकी इयररिंग्स मिसिंग है बिंदी मिसिंग है बट कोई बात नहीं. इवेंट कंटिन्यू है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एंड सब लोग होली भी खेलने लग गए हैं एंड हम लोगों तो अभी जस्ट सूट चेंज किया जैसे कि आप लोगों को पता है. सो हमने अभी तो कुछ भी नहीं किया जस्ट आए आए हैं अभी. म्यूजिक हाँ कंटिन्यू है बाहर आप लोग देख सकते हैं एंड बाकी जो खाने पीने का सिस्टम है वो इधर करवा रखा है एंड मैं देख रही थी मेरी गैंग किधर है. सो वो अंदर है इधर प्लेटें ले लेके खड़े भाई. मिठू और नितेश पे फोकस मारते हैं गाइस आ जाओ नितेश मिठू
पहले मोटी होती आवे है सच्ची में हां होगी एंड कैरेफिक आप से दिखा के तू फिट है ये होती है फिटनेस मैं तो अपनी नई मोटी बताऊं खड़े गाइस इनके इवेंट्स काफी अच्छे होते हैं काफी ज्यादा मस्त इवेंट्स रहते हैं इनके फुल तरीके से और बाकी चलो मिलते हैं थोड़ी देर में चल रहे हैं घर और इवेंट में इंसिडेंट हो गया गाइस तमन्ना पानी में गिर गई थी और चलो ये है पुनीत गाइस सिंगर है ये देखो इसकी शक्ल देखो गाइस मैं एक्टर हूँ इस गाने में दोनों गानों में हाँ एक्टर है सॉरी गली में घूमता हूँ बालक नगर करे गाइस वैसी हो रही है बिल्कुल जैसी हो रही है चलो बाय मिलेंगे नेक्स्ट इवेंट में ठीक है ओके बाय 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 गाइस मजे बांध रखे हैं निकल चुके हैं घर जाने के लिए एंड ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा हो रहा था बट सुंदर आ रही हूँ गाइस बालों में हाथ मार रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या बालों में से छूट रहा है मेरे ऊपर तो पूरे रंग की बाल्टियाँ पम्मी फेंक जा रहा था पता नहीं ये मेरे कोई रंग नहीं मिल गया और गाइस हम लोग निकल तो चुके हैं एक दिन पहले कृष्ण की रील डाल दी तो अब तो राधा कृष्ण हो गए राधा रानी आज तेरे मेरी शक्ल भी 20 दिन बाद देखी है जीजू राधा रानी का पीछे मुंह ना मेरे से इतना प्यार मत कर राधा रानी कीजे इतना प्यार मत करो कृष्ण जी बनो उड़ो लिल्लो उड़ो नहीं इतना प्यार मत करो कि मैं झेल गाइस देखो जीजू का मुंह मैं दिखाऊंगी नहीं आप लोग कहीं डर डरा जाओ इसलिए मैं दिखा नहीं रही इनका ऐसे रहने दो और मैं तो धो आई थी जाके फिर भी अपना तो दिखा दी नहीं रहने दे अरे एक बार दिखा भाई ये क्या बात होती है इसने तो धो लिया कुछ है ही नहीं सारे मतलब कपड़े वपड़े हो रहे हैं और गाइस आपको एक चीज बताऊं मैंने मम्मी को बताया गुन्नूर में 5,000 रुपए कपड़े खरीद के लाए और आखिर में मम्मी से सूट पोटर करवाए इतना दुख लग रहा है गाइस मतलब लगा लो 6,000 रुपए का हमारा बिल बैठ गया होगा अलग अलग हाँ जी जो निशी ने ही बोला था थप्पड़ मारूंगी उसे भी पता ही कौन होगा ये बीच तू ही होगी उसे पता है कि मैं कपड़ों में तो पैसे इन्वेस्ट तू क्यों मेरी बात मान के लाई मैं आ गई तेरी बातों में मैं सीधी हूं जो मुझे जो कहता है मैं वही मान लेती हूं केड़े तो चाहिए पैसे खर्च लेगा बस उसे भी दे दे भाई मैं नहीं खर्चती कपड़ों पे पैसे पता भी आ चुके हैं घर पे एंड ये इतना बुंदा मुंह आ रहा है गाइस इसको क्या करूं मैं बस नहाने जा रहे हैं पहले बालों में थोड़ी सी ऑयलिंग करूंगी एंड हाँ पूरी की बात सनस्क्रीन लगाऊंगी गाइस भर भर के पहले जो मेरे पास रखी हुई है मतलब यार मेरी एडवर्टाइजमेंट का तो मजाक बना दिया गाइस बट चले कोई नहीं अभी सनस्क्रीन लगाऊंगी देन नहाऊंगी और सर दुख रहा है नहाना है बेलीज न्यू लाई थी तो उसकी वजह से पैर भी कट गए हैं वो कटे थे मैंने उनको पूरा ही छील दिया ऐसे एंड वो काफ़ी पेनफुल है बट चलो मैं अब आपसे डायरेक्ट नहाने के बाद ही मिलूंगी बिकॉज फ़ोन भी चार्ज नहीं है चार्जिंग कर लूँ देन प्रॉपर एक बार पूरा रेडी शेडी होकर हेड वॉश भी करना पड़ेगा प्रेरणा तो घुसी गई बाथरूम में यार मैं दूसरे में जाऊँगी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से क्यों नहा के और यार नहा के इतना रिलैक्स सा फील हुआ है ना बालों में कलर ऐसे ये दो ही लोग थे कलर डालने वाले मेरे ऊपर एक जीजू ने डाला था दूसरा पुनीत ने डाला पुनीत ने तब भर भर के कलर डाला था ना गाइस एक तो ये देखना बस ये एक ही दिन का कमाल है गाइस देख रहे हो और ये हाथ वगैरह पे से तो हट भी नहीं रहा था मैं मतलब नॉर्मली मैं वैसे अगर मुझे हेयर मास्क वगैरह सब लगाना हो तो मैं नॉर्मली नहा लेती हूँ हाफ एन आवर एंड या फिर 45 मिनट्स अराउंड मुझे लग जाते हैं एक घंटे से लगी पड़ी थी गाइस कलर ही नहीं छूट रहा था ना किधर से और ये बालों में इतना सारा नोना गाइस नोना मेरा सारा सामान निकाल के गिराई जा रही है क्यों कर रहे हो आप ऐसे सो और हम लोग घर आए हम लोगों को काफ़ी भूख लग रही है बहुत हद से ज़्यादा तेज बिकॉज वहाँ इवेंट में हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया टाइम ही नहीं लगा खाने पीने का तो अभी हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग डिनर के लिए सारे बाहर जा रहे हैं क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है मम्मी को बनाने का टाइम हम लोग देना नहीं चाहते बिकॉज जब तक बनेगा तब तक हम लोगों को काफ़ी भूख लगेगी सो हमने मम्मी को कहा मम्मी ने भी कहा मेरा भी मन है सो जस्ट नहा के आए थे प्रेरणा का कल शूट है वो मेहंदी लगाने गई है पापा के साथ हम लोग पीछे जहाँ हमें जाना है हम तब तक वहाँ पहुँच जाते हैं सर फट रहा है एकदम
और बाकी भूख की वजह से ही हो रहा है क्योंकि सुबह घर से ऐसे निकल गए थे और समझ नहीं आता लोग कहीं दावत पार्टी में जाते हैं वहाँ खाने पीने और तुम बिना खाए पिए। हम ऐसे ही है, हम कहीं भी खाने नहीं जाते गाइस, हम अपने काम से जाते हैं आ जाते हैं उल्टे, जहाँ खाने जाते हैं लोग हम वहाँ पे भी खाते नहीं आते। वहाँ पे चीले टिक्की गोलगप्पे शाही पनीर गोलगप्पे भी थे क्या वहाँ पे? अंशु बता रहा है राम, ये मुझे पता क्यों नहीं लगा। अंशु कह रहा है वहाँ गोलगप्पे थे, चीले थे, टिक्की थी, आइसक्रीम थी, छोले थे, दाल थी, पनीर की सब्जी थी, मिक्स सब्जी थी। अंशु मेन्यू देखने गया था क्या? लोगों को देख रहा था। बट गाइस सीरियसली मैंने ना एक भी चीज नहीं खाया यार, मुझे गोलगप्पे थे तो अब मुझे बहुत वो लग रहा है कि अगर गोलगप्पे थे तो मैंने क्यों नहीं खाऊंगी बाद में। चलो बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर पे, सो मैं नहा के आई थी जस्ट, मैं हेड वॉश वगैरह सुखा लूं बाल वगैरह, देन रेडी हो जाऊं, देन आप लोगों से मिलते हैं। भूख तो हद से ज्यादा लग रही है एंड हाँ मुझे गोलगप्पे सुन के गोलगप्पों का मन हो गया तो मैं बाहर जाके खाऊंगी। ओके कर लिए चेंज अपने कपड़े एंड हेयर्स वगैरह सब सुखा लिए एंड मेरा मेकअप देख रहे हो आप, बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक लिप बाम लगाई है क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का। मेरा सर इतनी देर फट रहा है ना और वो मुझे पता है भूख की वजह से हो रहा है, तो कुछ खाना पीना चाहती हूँ यार, वो घर में कुछ अच्छा है नहीं है जो मेरा मन कर रहा है। और जब से मैंने गोलगप्पे सुन लिए मेरा मन भी अटपट चटपटा सा हो गया है कि मुझे गोलगप्पे ही खाने हैं। सो प्रेरणा एंड पापा तो गए हुए हैं ऑलरेडी, हम लोग अभी निकल जाते हैं। एंड गाइज ये मैंने अभी इतनी सारी सनस्क्रीन लगाई है भर के, बट हाँ ये फिर भी कुछ नहीं हुआ यार, ये कलर्स की वजह से हो गया। मैं मीन्स होली बहुत कम खेलना पसंद करती हूँ, बहुत हद से ज़्यादा कम। एंड होली फेस्टिवल इससे काफ़ी अच्छा है, बट आप लोग तो मेरा ब्लॉग्स कब से देख रहे हो, मेरी रील्स भी कब से देख रहे हो, आप लोग जानते हो गए मैं होली वाले दिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं कहीं खेलने जा रही हूँ या कुछ, मैं बिल्कुल नहीं खेलती। बट हाँ यहाँ वाले इवेंट्स की बात अलग है, बिल्कुल बेस्ट सुपीरियर होते हैं, एकदम मस्त, जहाँ सच में जाके मज़ा भी आता है हम लोगों को। सो इसीलिए हम लोग भी अब इनके इवेंट्स अटेंड करते हैं बिकॉज ये सच में इंजॉयबल होते हैं। एंड बाकी मम्मी बस चल रहे हैं, बस भाई रेडी हो रहा है, उसके बाद हम निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे खाते हुए गाइस, क्योंकि भूख लगती है। ओके इन्होंने ने मुझे इधर रोक लिया, मासी ये चीजी चाहिए? नहीं नहीं, हाँ तेरे को क्या चाहिए? पाइन एप्पल चाहिए भैया, इसे एक पाइन एप्पल का दो भाई, ये लेके नूना को अंदर लेके जाओ, टेबल लो। गाइस हमारा इकलौता सम्राट रेस्टोरेंट आर फेवरेट, ये लेना है ठीक है, इसको लेके जाओ। एंड हम आ चुके हैं गाइस, किसी दो जल्दी। अच्छा नूना होली कैसी है? होली है, फिर से होली है। तू ना सुधर जा, ये तुझे काट खाऊंगी। और प्रेरणा भी आ चुके हैं वापस से मेहंदी लगवा के, दिखाओ दिखाओ बहन मेहंदी, सिस्टर पापा लो लो पापा लो भैया, मम्मी सूप बना दो मेरा टेस्टी सा, लेमन वगैरह डाल के तो पैन के खा लूंगी। तूने ले लिया और फिर तेरा हो गया है। Why are you crying? Crying? Yes. I'm not crying. No? यार मेहंदी सूप से मैं ओछी हो रही हूँ खाने के लिए, मैं थोड़ा झाड़ फूंक दूंगी अभी मेहंदी और खा लूंगी, खिला रही है। सो गाइस डिनर हो चुका है हमारा कंप्लीट एंड हम लोग घर जाने के लिए रेडी हैं। इतने में नोना बच्चा आइसक्रीम खाने लग गया गाइस, देखो नोनू क्या खा रहे हो? आइसक्रीम, आइसक्रीम मौसी को ये गाइस बस निकल रहे हैं घर जाने के लिए। क्या करते हो? एंड गाइस मैं सीरियसली घर जाते ही सो जाऊंगी, ब्लॉग का क्या करूंगी, तो डालना है इसको, एडिट करना पड़ेगा, कितनी भी नींद आए बट काम को बस प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो घर जाके बस ब्लॉग एडिट करूंगी देन सो जाऊंगी यार, बहुत नींद आ रही है, आज तो मन भी नहीं कर रहा। एंड पता नहीं गाइस आजकल क्या हो गया, मेरा व्हाट्सएप ना मीन्स भरा पड़ा है मैसेजेस से, बट मैं ना मीन्स इंसान में पर मैं इतनी मतलब मैं इतनी बिजी भी नहीं हूँ, बट हाँ मैं इतनी फ्री भी नहीं हूँ कि मैं मीन्स अपने फ्रेंड्स का भी रिप्लाई नहीं कर पा रही व्हाट्सएप पे, और पता नहीं क्यों मैं एक्टिव ही नहीं हूँ व्हाट्सएप, बहुत कम ना के बराबर टाइप हो जाता है मेरे व्हाट्सएप पे गाइस। पहले 99 प्लस मैसेजेस तो हमेशा रहते ही हैं, बट अभी वो इतने ज़्यादा हुए पड़े 200 प्लस, और किस किस के मैसेज आ रखे हैं आई डोंट नो, इवन आई डोंट नो सीरियसली, बट कुछ नहीं कर सकते, अब घर जाएंगे। एंड गाइस ये देखना मेरे हाथ पे क्या हो रहा है, रेड रेड से मार्क दिख रहे हैं आप लोगों को, बट चलो
सब बाहर खड़े हैं, मैं भी चलती हूँ, और पापा पेमेंट कर रहे थे तो मैं बैठ गई थी। अब घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके बाय।